नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। एक और जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई आने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़े नेताओं से मुलाकात शुरू कर दी है। तो मुंबई के एक विशेष अदालत ने बाल यौन शोषण के एक मामले में 60 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराते हुए कहा कि किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में अश्लील हरकत करना उसके यौन इरादे स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। वहीं सूबे के नासिक में भारी बारिश हुई है, जिले के कई तहसील में पानी भी भरा हुआ है, गाड़ियां बह गई है और कुछ घर तबाह हो गए हैं। कई लोगों के लापता होने की भी खबरें सामने आई है। तो उधर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसी बीच मुंबई के लोखंडवाला और ओशीवारा में रहने वाले लोगों को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 55 साल पुराने मामले में संशोधन की अनुमति देने वाले सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। एक ओर जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई आने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़े नेताओं से मुलाकात शुरू कर दी है। फिलहाल बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही है कि अक्टूबर या सितंबर में चुनाव हो सकते हैं। अभी एक दिन पहले शिंदे गणेश उत्सव के मौके पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर के आवास पर पहुंचे। हालांकि दोनों की तरफ से ही इस मुलाकात को लेकर कुछ खास नहीं कहा गया है, लेकिन उद्धव के करीबी होने के चलते इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। खास बात है कि जून में बगावत के दौरान नार्वेकर ही शिंदे से बात करने सूरत पहुंचे थे। गुरुवार को ही मुख्यमंत्री शिंदे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के आवास पर भी पहुंचे। हालांकि एक अधिकारी का कहना है कि सीएम गणेश उत्सव के मौके पर यहां पहुंचे थे, लेकिन बीएमसी चुनाव की तैयारियों के बीच इस मुलाकात ने चर्चाएं तेज कर दी है। हाल ही में राज ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा मनसे के साथ बीएमसी चुनाव में उतर सकती है। बता दें कि बीएमसी चुनाव में भाजपा और शिवसेना शिंदे कैंप ने साथ उतरने का पहले ही ऐलान कर दिया है। मुंबई के एक विशेष अदालत ने बाल यौन शोषण के एक मामले में 60 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराते हुए कहा कि किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में अश्लील हरकत करना उसके यौन इरादे स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अर्थात पॉक्सो कानून के लिए विशेष न्यायाधीश प्रिया बनकर ने 29 अगस्त को आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 1 साल के कारावास की सजा सुनाई। ये आदेश अभी उपलब्ध हुआ। अभियोजन पक्ष के अनुसार 4 साल का पीड़ित बच्चा जब अपने घर के पास आरोपी की सिलाई की दुकान पर गया तो उसने देखा कि आरोपी अश्लील हरकत कर रहा है। आरोपी के वकील ने दलील की कि उसने लड़के को दुकान पर ही नहीं बुलाया और ना ही वो लड़के के पास गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ये सच है कि बच्चे ने गलती से उस आदमी की हरकत देख ली, लेकिन आरोपी की दुकान छोटी है और बगल से गुजरने वाला कोई भी राहगीर उसकी हरकत देख सकता था। इस घटना का पीड़ित, उसके परिवार के सदस्यों और यहाँ तक कि समाज पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा ऐसी धारणा है कि घर और आसपास के क्षेत्र बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। अदालत ने कहा कि इससे समाज में एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है, लिहाजा आरोपी की दलीलों को मानने का कोई आधार नहीं है। समाज में बड़े बुजुर्गों से मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती है और इस मामले में ठीक इसका उल्टा प्रतिबिंब नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश में एक तरफ गणेश उत्सव की धूम है तो दूसरी तरफ कई जगहों पर भारी बारिश होने से चिंता बढ़ गई है। सुबह के नासिक में भारी बारिश हुई है, जिले के कई तहसील में पानी भरा हुआ है, गाड़ियां बह गई है और कुछ घर तबाह हो गए हैं। कई लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आई है। नासिक जिले के सिन्नर तहसील के कई गाँवों के घरों में पानी भर गया है। बरसात के कारण कई घर तबाह हुए हैं। बताया जा रहा है कि बरसात के कारण तेज बहाव में गाड़ियां बह गई। मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन पर सीधा असर पड़ा है, साथ ही किसानों की फसलों को बहुत नुकसान भी पहुंचा है। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, वही बरसात के कारण इगतपुरी में भी नुकसान की खबर है। सिन्नर में बाढ़ जैसे हालात के मद्देनजर प्रशासन भी एक्शन मोड में है और अपने स्तर पर काम कर रहा है। रात में हुई बरसात के कारण सिन्नर में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। देवपुर सड़क पर देव नदी के ऊपर बना पुल का एक हिस्सा भी बह गया। खबर है कि मुंबई नाका, CBS, पुराना नासिक, शालीमार, रामकुंड, राणे नगर, पंचवटी में सड़कें नाला बन गई है। 4 चक्कों वाली 6 गाड़ियां और 18 मोटरसाइकिल बह जाने की भी सूचना है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में JCB की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया है।
प्रशासनिक अमला हर संभव राहत व बचाव कार्य में लगा हुआ है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा को दे चुके छात्र रिजल्ट को लेकर प्रतीक्षा में थे, लेकिन उनका इंतजार आज खत्म हो गया। सभी छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट maharizult.nic.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम 2022 से असंतुष्ट छात्रों ने अपने अंकों में सुधार करने के लिए बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा में हिस्सा लिया था। इस परीक्षा का आयोजन बोर्ड ने जुलाई से अगस्त के बीच किया था। ऐसे में आज परिणाम जारी होने के बाद सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट maharizult.nic.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं और अपना रिजल्ट डाउनलोड कर प्रिंट ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप MSBSHSE के आधिकारिक वेबसाइट पर maharizult.nic.in लॉगिन करें। इस वेबसाइट के ओपन होते ही HSC और SSC एग्जामिनेशन जुलाई 2022 के लिंक को क्लिक कर दें। इस पेज के खुलते ही अपना सही रोल नंबर और अन्य चीज़ों को भर दें और सबमिट कर दें। इसके बाद आपका रिजल्ट आपको दिखाई देगा, उसे सही से देख ले। अब आप रिजल्ट को डाउनलोड कर ले और भविष्य के लिए प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई से 12 अगस्त के बीच किया था। साथ ही क्लास 12वीं HSC सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन 21 जुलाई से 24 अगस्त 2022 के बीच हुआ था। इससे पहले जून महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं कक्षा के परिणाम जारी हुए थे। इससे पहले जून में महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं कक्षा के परिणाम जारी हुए थे। मुंबई के लोखंडवाला और ओशिवारा में रहने वाले लोगों को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 55 साल पुराने मामले में संशोधन की अनुमति देने वाले सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 29 अगस्त को हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा उठाई गई शिकायतों को स्वीकार कर राज्य सरकार की अनुमति और BMC के 1965 के आदेश में संशोधन के अनुरोध को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स और ओशिवारा में करीब 8,000 फ्लैट और दुकानदारों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 55 वर्ष पुराने मामले को फिर से खोलने की हरी झंडी दी गई थी। इस केस में राज्य सरकार ने BMC को एक एडिशनल कलेक्टर को 1965 के आदेश जारी करने के संबंध में एक पुनरीक्षण अर्जी दायर करने की इजाज़त दी थी, जिसके पास जमीन पर अधिकार रखने वाले शख्स के पक्ष में 723 एकड़ के भूखंड का अधिकार था। वहीं BMC ने इस केस में साल 2019 में 1965 के आदेश में संशोधन की मांग की थी, क्योंकि 65 एकड़ भूखंड का उपयोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए किया गया था। साथ ही जमीन के मालिक ने मुआवजे की मांग की थी। राज्य सरकार को लिखे पत्र में उसने 1965 के आदेश को संशोधित करने की इजाज़त मांगते हुए दावा किया था कि उसे भूमि अधिग्रहण के लिए मालिकों को मुआवजे के रूप में एक बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर बिहार के CM नीतीश कुमार ने ये जाहिर किया है कि केंद्र में काम करने का जो अनुभव उन्हें है वो PM नरेंद्र मोदी को नहीं है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से RSS पर लिए गए बयान को लेकर कांग्रेस से लेकर CPI और AIMIM तक उन पर हमलावर है। ममता ने परोक्ष रूप से संगठन की तारीफ करते हुए कहा था कि RSS पे सब बुरे नहीं है। वहीं हैदराबाद के एक शख्स के फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी की ओर से मुस्लिम डिलीवरी बॉय न भेजने के निर्देश पर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कोच्चि के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में INS विक्रांत को इसे देश सेवा में समर्पित किया। तो उधर झारखंड के हजारीबाग के रूपेश हत्याकांड की जांच अब CBI करेगी। हाईकोर्ट ने रूपेश की मां की याचिका पर यह फैसला दिया है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पटना में एक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने करीब 1.5 मिनट पत्रकारों से बात की। इस बातचीत में उनसे JDU ऑफिस में लगे पोस्टर और PM पद की दावेदारी पर सवाल पूछा गया, लेकिन नीतीश ने इसका जवाब ये कहकर दिया, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तब हमने किस तरह से उनके साथ काम किया था, किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा। यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर नीतीश कुमार ने ये जाहिर किया कि केंद्र में काम करने का जो अनुभव उन्हें है वो PM नरेंद्र मोदी को नहीं है, क्योंकि नीतीश तब अटल की सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री थे। यूँ समझिए कि नीतीश ने अनुभव के आधार पर खुद को PM मोदी से सीनियर बताकर PM पद की दावेदारी पर अपना स्टैंड साफ कर दिया।
नीतीश कुमार का ये बयान काफ़ी बड़ा मायने रखता है, क्योंकि एक समय था जब नीतीश मोदी के लिए 2012 में शुरू हुई पीएम पद की दावेदारी को लेकर नाराज हो गए थे। बहाना कुछ और था, लेकिन नीतीश ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, तब भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नीतीश ये कहना चाहते हैं कि अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी होते तो वाक्य का अंत तीन बिंदुओं से करने पर क्या मतलब होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आरएसएस पर दिए गए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने विपक्षी दलों को भी हैरान कर दिया है। ममता ने परोक्ष रूप से संगठन की तारीफ करते हुए कहा कि आरएसएस में सब बुरे नहीं हैं। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस से लेकर सीपीआई और एआईएमआईएम तक उन पर हमलावर है। विपक्ष ने ममता को अवसरवादी करार दिया। वहीं बीजेपी ने कहा कि आरएसएस को ममता के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गत बुधवार को ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आरएसएस पहले इतना बुरा नहीं था, मैं नहीं मानती कि वो बुरे हैं। आरएसएस में कई अच्छे लोग हैं और वे बीजेपी का समर्थन नहीं करते। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ममता की टिप्पणी को लेकर उन पर सबसे करारा प्रहार किया। ओवैसी ने कहा कि 2003 में भी उन्होंने आरएसएस को देशभक्त कहा था और बदले में आरएसएस ने उन्हें देवी दुर्गा कहा था। ओवैसी ने ममता पर तंज कसते हुए कहा कि उम्मीद है कि टीएमसी के मुस्लिम चेहरे उनकी ईमानदारी और रुख में निरंतरता के लिए सराहना करेंगे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने ओवैसी की टिप्पणी को तवज्जो नहीं देने की कोशिश करते हुए कहा कि पार्टी को अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को उनके समक्ष साबित करने की जरूरत नहीं है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि ममता बनर्जी ने ये कहने की कोशिश की है कि हर संगठन में अच्छे और खराब लोग हैं। हैदराबाद के एक शख्स के फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी की ओर से मुस्लिम डिलीवरी बॉय न भेजने के निर्देश पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। महुआ मोइत्रा ने कंपनी से ऐसे ग्राहकों का नाम सार्वजनिक करने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी को ऐसे कस्टमर ब्लैकलिस्ट में डालकर पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के शख्स की ये हरकत पूरी तरह से अवैध है। टीएमसी लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि घृणा और कट्टरता के नॉर्मलाइजेशन को देखकर दुख हो रहा है। जो छिपा हुआ व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हुआ करता था, वो अब बहुसंख्यवाद की सार्वजनिक उद्घोषणा बन रहा है। महुआ ने आगे लिखा कि स्विगी, प्लीज़ आप कस्टमर को ब्लैकलिस्ट कीजिए, उसका नाम सार्वजनिक कीजिए और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराइए। ये पूरी तरह से अवैध है। कस्टमर की स्विगी से की गई पर्सनल रिक्वेस्ट उस वक्त वायरल हो गई जब तेलंगाना स्टेट टैक्सी एंड ड्राइवर जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन शेख सलालुद्दीन ने इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कस्टमर का नाम और डिटेल छिपा दी थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि हम डिलीवरी वर्कर यहाँ सभी को खाना पहुँचाने के लिए है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई हो या सिख। चीन और पाकिस्तान से टक्कर के लिए भारत ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को आज नौसेना में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कोच्चि के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में आईएनएस विक्रांत को इसे देश सेवा में समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल के समुद्री तट पर पूरा भारत एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। ये बस पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं, समंदर पर तैरता किला है। आईएनएस विक्रांत का डिजाइन और निर्माण सब कुछ भारत में ही किया गया है। पीएम मोदी ने नौसेना के नए निशान का भी अनावरण किया, जो ब्रिटिश राज की परछाई से दूर है। इसमें बाई ओर ऊपर की तरफ राष्ट्रध्वज और दाई तरफ अशोक स्तंभ और उसके नीचे लंगर है। मोदी ने आईएनएस विक्रांत की खासियतें बताते हुए कहा कि ये युद्धपोत से ज्यादा तैरता हुआ एयरफील्ड है, ये तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइंग डेक भी 2 फुटबॉल फील्ड से बड़ा है। इसमें जितने तार इस्तेमाल हुए हैं वो कोचीन से काशी तक पहुंच सकते हैं। बता दें कि भारत में सामरिक गलियारे में तेजी से मांग उठ रही है कि चीन की बढ़ती समुद्री ताकत के बीच अरबों डॉलर के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण को मंजूरी दी जाए। भारत अभी परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण पर भी फोकस कर रहा है। झारखंड के हजारीबाग के रूपेश हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने रूपेश की मां की याचिका पर यह फैसला दिया है। इसी साल 6 फरवरी को सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान रूपेश की हत्या कर दी गई थी। रूपेश की मां उर्मिला पांडे ने सीबीआई जांच के लिए याचिका दायर करते हुए हजारीबाग पुलिस पर जाँच सही तरीके से नहीं करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि पुलिस घटना के आरोपियों को बचा रही है,
हजारीबाग के बरही में इसी साल 6 फरवरी को सरस्वती पूजा के विसर्जन जुलूस के दौरान रुपेश पांड्या नामक 18 वर्षीय युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके विरोध में राज्य भर में प्रदर्शन भी हुए थे। सरकार ने एहतियात के तौर पर 4 जिलों में इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया था। मामले की जाँच करने बाल संरक्षण आयोग की टीम भी आई थी। रुपेश की मां ने सरकार से अपने बेटे की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। रुपेश का परिवार अब तक की पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। रुपेश की मां ने आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केस को सीबीआई को सौंप दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले को झारखंड की हेमंत सरकार के लिए झटका माना जा रहा है, जो इस समय अंकिता हत्याकांड को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। खुद हेमंत सोरेन कई मामले में खुद का दामन नहीं बचा पा रहे। लुफ्थांसा एयरलाइंस के पायलट हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण विमान उड़ नहीं पा रहे। इस एयरलाइंस ने आज 800 उड़ानों को रद्द कर दिया है। इससे 1,30,000 यात्रियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। वहीं मलेशिया की एक अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की पत्नी रोसमा मंसूर को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद 10 साल की सजा सुनाई है। तो उधर दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के 77 साल बाद बीत जाने के बाद पोलैंड अब जर्मनी से हर्जाना मांगने जा रहा है। यह हर्जाना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के हमले और कब्जे के बाद हुए नुकसान के मद्देनजर मांगा जाएगा। इसी बीच खबर है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 3 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगी। 5 से 8 सितंबर तक वे भारत की यात्रा पर रहेंगी। दुनिया भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कोरोना काल में एविएशन इंडस्ट्री सबसे अधिक प्रभावित रही थी। हवाई जहाज जमीन पर रखे रखे धूल फांक रहे थे। कर्मचारियों की जमकर छटनी हुई। कई जगह सैलरी काटी गई। जो एयरलाइंस पहले से कर्ज में दबी थी उनके बोरिया बिस्तर बन गए। लेकिन अब कोविड का कहर कम हुआ और एयर ट्रैफिक बढ़ने लगा है तो एयरलाइंस अलग तरह की समस्या से जूझ रही है। भारत में कई एयरलाइंस स्टाफ की कमी से जूझ रही है। इसी तरह विदेशी एयरलाइंस में भी कर्मचारियों के हड़ताल के मामले देखने को मिल रहे हैं। ताज़ा मामला जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा का है। लुफ्थांसा को बड़ी संख्या में अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। इनमें विशेष रूप से फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक की उड़ानें हैं। दरअसल एयरलाइंस के पायलट हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण विमान उड़ नहीं पा रहे। लुफ्थांसा एयरलाइंस ने आज 800 उड़ानों को रद्द कर दिया है। इससे 1,30,000 यात्रियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। ये हड़ताल ऐसे समय में है जब यूरोप में टूरिस्ट सीजन पीक पर होता है। लुफ्थांसा एयरलाइन की उड़ानें प्रभावित होने से जर्मनी सहित यूरोप की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बड़ा नुकसान होने की आशंका है। लुफ्थांसा एयरलाइंस के पायलट कई महीनों से सैलरी में इजाफे की मांग कर रहे हैं। जर्मन एयरलाइन के साथ पायलट्स की बातचीत विफल रही, जिसके बाद वे हड़ताल पर चले गए। शनिवार और रविवार को भी उड़ानों में देरी हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। मिखाइल गोर्बाचेव का अंतिम संस्कार शनिवार को होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे रूसी राष्ट्रपति द्वारा एक असाधारण अपमान के रूप में देखा जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने संकेत दिया कि गोर्बाचेव को आधिकारिक राजकीय अंतिम संस्कार भी नहीं मिलेगा। इससे पहले निकिता ख्रुश्चेव आखिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राजकीय सम्मान हासिल नहीं हुआ था। बता दें कि पुतिन के सत्ता में रहने के दौरान एकमात्र बोरिस येल्त्सिन ही ऐसे नेता है जिन्हें कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर में राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन विदाई समारोह दिया गया है। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे व्लादिमीर पुतिन ने येल्त्सिन की मृत्यु के दिन को राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया था। गोर्बाचेव के साथ पुतिन के तनावपूर्ण संबंध रहे। वे मानते हैं कि गोर्बाचेव ने ऐसी नीतियां शुरू की जो अंततः सोवियत संघ के पतन का कारण बना। पुतिन ने सोवियत संघ के पतन को सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक तबाही कहा है। हालांकि इस कारण उन्हें कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ गोर्बाचेव ने कई बार लोकतांत्रिक सुधारों को वापस लेने और दमन के तत्वों को फिर से पेश करने के लिए पुतिन की आलोचना की थी। मलेशिया की एक अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की पत्नी रोसमा मंसूर को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद 10 साल की सजा सुनाई है। रोसमा मंसूर पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति के कार्यकाल में एक कंपनी को काम दिलाने के लिए रिश्वत मांगी और स्वीकार की थी। रोसमा मंसूर के पति नजीब रजाक को 8 दिन पहले अदालत ने 12 साल की जेल की सजा बरकरार रखी थी।
रोस्मा मंसूर को बोर्नियो द्वीप के स्कूलों को सौर ऊर्जा पैनल लगाने की परियोजना का काम एक कंपनी को दिलाने के लिए 2016 और 2017 के बीच 65 लाख रिंगिट यानी लगभग 15 लाख अमेरिकी डॉलर का रिश्वत मांगने और उसे स्वीकार करने के 3 मामलों में दोषी ठहराया गया। अदालत ने उन्हें हर एक मामले में 10-10 वर्ष की सजा सुनाई और उन पर 97 करोड़ रिंगिट का जुर्माना भी लगाया। राहत की बात यह है कि सभी सजाएं एक साथ लागू होंगी। उनके पास फिलहाल शीर्ष अदालतों में उनकी अपील लंबित होने तक जमानत के लिए गुहार लगाने का विकल्प बरकरार है। रोस्मा ने अदालत में भावुक अपील में कहा है कि वो निराश है और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि इंसाफ नहीं मिला। रोस्मा मंसूर ने कहा कि राजनीतिक द्वेष की भावना से हुई कार्रवाई में नजीब को जेल की सजा हुई और उनके परिवार को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के 77 साल बीत जाने के बाद पोलैंड अब जर्मनी से हर्जाना मांगने जा रहा है। ये हर्जाना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के हमले और कब्जे के बाद हुए नुकसान के मद्देनजर मांगा जाएगा। इस युद्ध के दौरान पोलैंड के लाखों लोग मारे गए थे। इसके एवज में पोलैंड अब जर्मनी से 1,300 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि मांगने जा रहा है। ये राशि इतनी है कि इसमें श्रीलंका के 25 से अधिक बार कर्जे माफ हो जाएंगे। पोलैंड पर आक्रमण के बाद शुरू हुआ युद्ध दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक कुल 6 सालों तक लड़ा गया था। हिटलर के नेतृत्व वाले नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद ये युद्ध शुरू हुआ। पोलैंड का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नाजी जर्मनी ने उनके देश पर आक्रमण किया था तब उनसे 6.2 ट्रिलियन जलौटी यानी 1.32 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। 1 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनी ने बमबारी के साथ पोलैंड पर हमला किया था। जब तक हिटलर दूसरा विश्व युद्ध हार नहीं गया तब तक पोलैंड पूरे 5 साल तक नाजी जर्मनी के कब्जे में रहा था। इस युद्ध में हुए भीषण नुकसान को लेकर पोलैंड पिछले काफी समय से विचार कर रहा था। लगभग 30 अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों और अन्य विशेषज्ञों की एक टीम ने 2017 से इस रिपोर्ट पर काम किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 3 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगी। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 5 से 8 सितंबर तक वे भारत की यात्रा पर रहेंगी। बांग्लादेश के पीएम अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात निर्धारित है। हसीना के अजमेर शरीफ जाने की भी संभावना है। वो आखिरी बार अक्टूबर 2019 में भारत आई थी। बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ऐसे समय होने जा रही है जब वैश्विक आर्थिक संकट के कारण ढाका ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले अधिकारियों ने कहा था कि बांग्लादेश चाहता है कि भारत बांग्लादेश व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए बातचीत की शुरू हो। शेख हसीना की संभावित अजमेर यात्रा को देखते हुए अजमेर दरगाह में सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई है। इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि पीएम शेख हसीना का ये दौरा शांतिपूर्ण रहे। अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया था कि बांग्लादेश पीएम शेख हसीना 8 सितंबर को अजमेर दौरे पर रहेंगी। बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल के साथ हसीना की यात्रा से जुड़ी तैयारियों को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो वीकेबी न्यूज के आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।